se voy. Sabemos que mariste. ¿Pata hai nahi mujhe? Ha to bhool gaye honge na. Aur family? Family ka kya hua? Aur inki wo beti thi na cute si. Uski shaadi ho gayi. Kiran kaka ke business partner ke saath. Business bachane ke liye karna pada. What? Wo dekh jodi. Ji, ab pani le lijiye. Baby, I said on the rocks. Koi baat nahi, abhi leke aati hu. और इनका एक बेटा भी था ना नालायक सा निखिल स्टार्टअप वाला स्टार्टअप उसका तो स्टार्टअप डूब गया डिलीवरी फूड डिलीवरी आपका बिजनेस था अब खुद डिलीवरी बॉय बन गया थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग बच्चों का ये हाल है तो माँ का तो पूछ ही मत बुढ़िया फुल डिप्रेशन में चली गई एक हफ्ते से कुछ बोली नहीं थ्री वर्ड्स Suicidal सिंदूर खून मेरी माँ वो सब तो ठीक है पर किरण अंकल की डेथ कैसे हुई काका सिगरेट जला रहे थे तो सिगरेट जलाते जलाते ये भूल गए कि लाइटर से सिगरेट जलानी है खुद को नहीं काका किरण भाई किरण भाई ए किरण भाई यहाँ 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 क्या हुआ साढ़े ग्यारह साढ़े ग्यारह साढ़े ग्यारह इनको क्या हो गया यार और कोई फोटो नहीं मिली क्या हसमुख काका की उनकी तो शक्ल ही ऐसी थी Makes me feel alright. Oh, fuck, Nikhil, why are you standing here like a creep? यार क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है इतने सारे लोग हैं कि लगेगा कि घर में सिर्फ एक ही बाथरूम है हुआ क्या Tell me. No, I mean, normally my cycles are always on time. तू मैं कुछ लेके आऊँ? Aloe vera? अदरक? Nikhil, I need a pregnancy test, not aloe vera. Okay, stop giving me these WhatsApp solutions. I'm really freaking out right now. Like, I'm fine. Really. Okay, calm down. I'll manage something. Okay? Like you did that night, huh? Anu, touch me. Auntie. Auntie. घर में एक ही वॉशरूम है क्या? नहीं नहीं. आप जाइए. निखिल मतलब कुछ मन नहीं लग रहा था एकदम चिड़चिड़े हुए थे लेकिन तेरवी मुंबई में क्यों कर रहे सूरत में नहीं हसमुख काका मुंबई देखना चाहते थे हाँ वो जीते जी नहीं मुंबई देख पाए ना वो तो उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मरने के बाद यही मुंबई में मैं समझी नहीं हसमुख काका समझ के ही बाहर थे सिर्फ डॉली को समझ आते थे उनका लाडला था ना वो डॉली पहले लोगों को खाने दो प्रसाद काका की याद में तो खा रहा हूँ खाते खाते ना काका डॉली बोलते बोलते मत खाया करो हाँ खाते खाते मत बोला करो ना फिर दोनों ही मत करो डॉली काका आज भी तो ये जोक था क्या निखिल बेटा हाँ श्रेया नजर नहीं आ रही श्रेया एक्चुअली कोर्ट की है उसका डिवोर्स का सेटलमेंट वो लॉयर से बात करके आराम से आ जाएगी धीरे बात करो ना बेटा इसमें छुपानी वाली क्या बात है इन्हीं ने तो बात फैलाई थी अरे नहीं भाई साहब अब डिवोर्स का मामला है तो हाँ तो डिवोर्स का ही तो मामला है कोई मर थोड़ी गया है आप भी यार क्या भाई आप भी मैं सर बोल के तो कुछ भी करते हैं अब तबीयत कैसी है भाई साहब की
ऐसे अच्छी तो है नहीं, उन्हीं के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं मुंबई। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर तो कह रहे हैं कि फिलहाल फर्स्ट स्टेज ही है, और अगर हम लकी हुए तो अब अगले 2 साल फर्स्ट स्टेज ही रहेगा। अच्छा, प्लीज जस्ट गो। विल गो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें यहीं पे रुकना है। वो आपका वो कैसा रहा मेडिटेशन कैंप, गई थी ना? हाँ। प्रकाश जी अभी तक वहीं हैं? उन्होंने तो मानो घर ही बसा लिया है वहाँ पे। आत्म परिवर्तन कैंप, पता नहीं क्या आत्म परिवर्तन होने वाला है वहाँ। मैं तो 2 दिन में भाग गई वहाँ से। ले, मैं तो सोच रहा था कि मैं और वंदू वहाँ बुकिंग कर लें। पर कितना सुकून और शांति मिलेगी वहाँ मुझे। वहाँ पर वेफर खाना और गाना मना है, मालूम है ना? तुम 2 दिन नहीं टिक पाओगे। 2 दिन ही सही वंदू, वैसे भी मेरे पास ज्यादा वक्त कहाँ है। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, वंदु को तंग करने में मुझे मजा आता है। हाँ पर फिर भी। और फिर हसमुख काका ने उस 7-स्टार रेस्टोरेंट में सारा खाना थूक दिया और कहा गोपी से आशूच है, तो गोपी ने कहा आशूची चे। वंदु प्लीज यार, तुम ऐसी बातों पे हंस रहे हो? अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते ना हसमुख भाई के बारे में, क्या है ये? गोप्स स्टार्ट। पापा के बारे में अच्छी कहानी? सबको भूख लग रही होगी, मैं जाके नाश्ता ले आती हूँ। क्या पोहा चलेगा? हाँ हाँ। आ गई शायद। हाय सॉरी, कहाँ जा रहे हो? मैं बस नाश्ता लेने जा रही थी। डोंट वरी अबाउट इट, आई गॉट इट। थैंक्स श्रेया, सो हेल्पफुल। तो डॉली के इतने पीछे क्यों पड़ती है? अगर उसे नहीं करनी है शादी तो ना करे। वो तो इतनी जिद क्यों कर रही है? आज नहीं तो कल तू भी तो चाहेगी ना कि श्रेया की शादी फिर से होए। नहीं मतलब अगर वो नहीं करना चाहेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी चॉइस है। अरे ऐसे कैसे नहीं करेगी? वो अकेले रह के करेगी क्या वो जिंदगी में? तो हम दोनों ने शादी करके ऐसा क्या कर लिया लाइफ में? अनु मैं आया। हाय पलक, तू यहाँ? हाउ आर यू? आई मिस्ड यू गाइस मैन, लॉन्ग टाइम। यस, स्पेशली योर पेरेंट्स। ऑफ कोर्स दे मिस्ड यू टू आई गेस। कोई लोग दिख नहीं रहे, मैं जल्दी आ गया क्या? एक्चुअली सब निकल गए अभी, और तू भी कुछ 2 ही घंटे लेट है। दैट्स मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी यार। हाँ, so that's what, मैं actually I was going somewhere, so why don't you come with me? I have to stop somewhere, we'll talk. पर किरण वंदु को हाय बोल देता हूँ, they invited me, it's so sweet of them. अरे पलक। नमस्ते। अंदर आओ ना भाई, बाहर क्यों खड़े हो? आओ। निखिल 3 कप चाय बना देना। बनाता हूँ चाय। Thanks for dropping me home, बेटा। नहीं नहीं आंटी, that's fine. You were on my way, so that's okay. Regularly drive करती हो? हाँ। निखिल से तो अच्छा ही चला लेती हो। निखिल ने बताई थी स्टोरी मुझे। स्टफर ने आपकी कार डैमेज कर दिया। प्रकाश के रिटायरमेंट की गाड़ी। बहुत ड्रामा हुआ था उस दिन। बेटा इतनी महंगी गाड़ी ली है, उड़ती भी है क्या? I got a good deal, that's why I got it.
एंड वैसे भी कैब से इधर उधर जाने से तो सस्ता ही पड़ता। छोटी गाड़ी ले लेते तो और भी सस्ता होता, बड़ा घर बड़ी गाड़ी सब कुछ मैनेज कर पाओगे। इतनी टेंशन नहीं है पापा। आई मीन क्या बोलते हैं वो, बूंद बूंद से सागर बनता है, ये तो कार है। प्लानिंग करनी पड़ती है बेटे, ऐसा ही नहीं हो जाता है सब कुछ। आपने बहुत प्लानिंग की ना। क्या कहा? मतलब सब सही चल रहा है ना, यू नो। एक्चुअली पापा मुझे तो लगता है कि हम सबको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। आई मीन मैं भी निखिल को बोलती रहती हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड आई थिंक इवन यू शुड रियली थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग, इट विल बी रियली गुड फॉर यू इन द लॉन्ग रन। मेरा क्या लॉन्ग रन बेटे? सॉरी, मैं ये कह रहा था कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की होता है और हमारे एज पे तो डजंट मेक एनी सेंस, राइट? हां हां बिल्कुल सही है बेटा, मैंने भी सुना है पैसा डूबने का रिस्क होता है। Because it's dependent on the market, है ना? जब रिस्क सोच समझ के लो तो फिर सही ही होता है ना? और वैसे भी जो भी अच्छी चीज पानी है तो लाइफ में थोड़ा तो रिस्क लेना चाहिए। मुझे देखो कितना बड़ा रिस्क लिया था मैंने। ए, मैं रिस्क हूँ? We'll find out. Find out. पर मां सीरियसली, खर्चे और महंगाई ना वो एज देख के रुकते नहीं है, तो इसीलिए आपका इन्वेस्ट करना ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा। काश निक्की में इतनी अकल होती, अपने पापा पे ना गया होता तो। ए वन प्लीज, हां प्लीज, ओके सॉरी। अरे कमाल हो गया यार, एवरीबॉडी इज बीइंग मीन टू मी टुडे। निखिल हां सर, रुकना मुझे केमिस्ट पे जाना है। क्या हो गया एकदम से यार? मुझे कुछ चीजें चाहिए। ओ कुछ चीजें चाहिए होंगी ना इसको। हां लिया। अरे बेटा रुको, मैं भी आती हूँ। क्यों? किरण की दवाई लेनी है। मैं ले आती हूँ। हाँ? मैं ले आती हूँ। मैं क्यों? मैं ले आती हूँ। अच्छा ठीक। हाँ आ रहे। केमिस्ट इसको दवाई देगा क्या तुम्हारी? क्यों? प्रिस्क्रिप्शन के बिना। किधर है? मेरे पास। बंदो। मैं जाती हूँ लाती हूँ। अब मैं संभल के। वैसे आंटी आजकल आप घर पे अकेले हो, अंकल कब तक वापस आ रहे हैं? अब उनका कोर्स तो 2 महीने चलेगा, फिर उसके बाद देखते हैं। डोंट वरी, टाइम ऐसे ही पास हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कांग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू हाउस। ओह थैंक यू। So, अकेले ही लिया है या किसी रूममेट के साथ? नहीं नहीं अकेले। I actually wanted to spend some time by myself, so yeah. अरे वाह, मैं तो अकेले घर पे इतनी बोर हो जाती हूँ। क्यों, आप कहीं बाहर घूमने क्यों नहीं जाते? मुंबई में मॉनसून में मुझे तैरना नहीं आता। तो स्विमिंग क्लासेस ले लो। सॉरी बैड जोक, बट यू नो व्हाट आई मीन, आप कोई क्लब की मेंबरशिप क्यों नहीं ले लेते? क्लबिंग इस उम्र में, मतलब कमर वमर लचक गई तो? नॉट क्लबिंग, आई मीन क्लब लाइक यू नो बाहर जाके कहीं, यू नो यू कैन मीट सम न्यू पीपल और समथिंग। या मे बी। निक्की हाँ? तुम कैसे हो? अनीता को इतनी पीठ दर्द हो रही है, तुम जा सकते थे ना केमिस्ट के पास? पीठ दर्द हो रही है, उसे भेज दिया। सच में? वो मैं बस ध्यान में नहीं रहा, सॉरी अनीता। वो आप अनीता निखिल के साथ क्यों नहीं रह लेते? आपका भी टाइम पास हो जाएगा। नहीं, वो लोग सुबह सुबह ऑफिस निकल जाते हैं और शाम को थक के आते हैं। आई मीन इवन दे नीड द स्पेस। नो आई हैव एन आईडिया, क्यों ना हम दोनों घूमने चले साथ में? व्हाट डू यू थिंक? नई चीजें है ना, हम कंपनी वाले हैं, उनको पता है क्या करना है, डोंट वरी। बंधु तुम बैठ जाओ, हर जगह ना टीचर बनने की जरूरत नहीं। ठीक है मैं बैठती हूँ, तुम करो। मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे करूंगा।
प्रज्ञा। हाँ जी। 3 महीने में यही घर मिला था क्या तुमको? पापा शुक्र करो कुछ मिल गया, नहीं तो बॉम्बे में बैचलर्स को कहाँ मिलता है घर। और नहीं तो क्या। अरे अनीता, ऐसे में वजन नहीं उठाना चाहिए। ऐसे में पीठ दर्द है ना, रखो। ओ, तुम भी ना अनीता, कुछ भी आराम से बैठो। क्या बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। हाँ, बैठो ना। तुम भी निकी, कैसे भूलते हो? मैं नहीं भूला, वो भूली। See what you're trying to do, huh? What? ये तो अपने देहरादून वाले घर जैसा बना रही है ना, बेड यहाँ, ड्रेसिंग टेबल यहाँ, खिड़की, डेस्क नहीं है बस। डेस्क का है, डेस्क भी ले ले। बस वही रह गया है। The rest तो I got from Godrej Interio. It's nice, ना? तू डेस्क सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा मेरी? मैं? तुझे मेरी हेल्प चाहिए? तू लाइफ के डिसीजन के लिए मुझसे पूछना चाहती है? मुझसे? I feel so blessed. कहाँ से आई ये नई चीज़? Drama ही हुआ ना? पर अच्छा लग रहा है. Don't worry. It's nice. It's actually looking very nice, हाँ. Quality भी अच्छी है यार. Yeah. I have to admit, हाँ, तेरा taste better हो रहा है. Furniture को लेके और. और? And actually कुछ आ नहीं रहा दिमाग में. Hey, what about the TV? तो TV के बिना कैसे रहेगी? रात को तेरी फटती है. Please, okay? तब मैं छोटी थी, alright? But I'm really proud of you, Shreya. Yeah. ये घर बहुत सही है यार, बहुत अच्छी vibe है. You think so? I like it. I love it. I just hope everything works out now. अरे सब सही हो जाएगा, chill कर. चल, anyway, get up. Kitchen set कर और खाना बना. यार अभी तो किया है सब. निखिल, hurry up. पर खाना बनाना क्यों है? Order कर सकते हैं ना? Oh, let's do one thing. Order from my app. Get 30% discount because you're Nikhil Solanki's sister. Shit, yeah, they to app hai. Right. Tujhe meri app ka naam nahi pata? I do. It's just Do you even know what I do? Yeah, Nikhil. What? Shut up. Something to do with food. Okay, I know it. Nikhil. Anu, main pizza to order kar lo. Tere liye baby corn kar do na. I just got that word out of my head. What did you have to say, baby corn? You know what? I'll take it out. You'll take it out. Still late for that, na? मैं खुद ही order कर लेता हूँ. Thank you. Papa, मैं खाना order कर रहा हूँ. खाओगे? हाँ? Papa, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा. गोपी बता रहा था कि कुछ साल पहले उसने यहाँ एक मकान लिया था. आज उसकी प्राइस 5 गुना हो गई है. मैंने भी उस समय अगर मकान खरीद लिया होता तो तुम लोगों के लिए आसानी हो जाती. श्रेया को इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ती एक मकान के लिए. और शायद तुम्हारे भी कुछ काम आ जाता. आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हमें कौन सा पता था कि हम बॉम्बे आके सेटल हो जाएंगे? और देहरादून में तो हमारा घर है ही, बंगला है, राइट? पापा, सुनो बेटा, कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं किया. क्या इधर देखो, कुछ नहीं किया? Are you serious? आपने और माँ ने हम दोनों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ. आपने कभी अपने डिसीजंस हम पे नहीं थोपे. हमें जो करना था आपने हमें करने दिया, जैसे करना था वैसे करने दिया. यू लेट अस थिंक फॉर आर सेल्स. दैट्स हर पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, राइट? And we are very, very lucky to have you guys. Come on. मेरी तरह देखो, ये जो भी है, ये सब, ये values, everything. It's because of you guys.
आप ही से तो आया ये सब. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ मैटर करता भी है. बहुत बड़ा घर अगर मेरे पास होता तो मैं क्या कर लेता. बहुत खुश हूँ. वेरी हैप्पी राइट. हाँ अगर आपका सिर्फ एक ही बच्चा होता तो आपकी सारी जायदाद मुझे मिल जाती है. That would have been nice. खाना ऑर्डर करना था ना. खाना ऑर्डर पिज्जा खाओगे. मैं पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ यार. वो पिज्जा वो ठेले वाला पिज्जा उसमें चीज तो ज्यादा डालता है. तो मुझे आई लव इट यार. माँ खाने नहीं देगी. अरे मना लेंगे ना. कौन मनाएगा. तुम मना ले बस प्लीज. ये पिज्जा ना कुछ सूट नहीं किया मुझे. क्यों. पिज्जा जैसी चीज अगर मंगवानी है तो फिर अच्छी जगह से मंगवाते ना. कैसी बात कर रहे हो यार. खुद मेरे को बोल के कि ठेले से खाएंगे रेस्टोरेंट से नहीं खाएंगे अब ये सब बोल रहे हो. अरे मैंने कब बोला. आपने नहीं बोला. अच्छा आप मुझे कुछ याद नहीं रहता तो तुम कुछ भी बोलोगे. और परसों वो रास्ते वाली कौवा बिरयानी खाई थी उसका क्या. जी अरे वो तो बहुत ही अच्छी थी लेकिन ये पिज्जा ना कुछ अंदर से कुछ गरम गरम सा लग रहा है यार. तो फिर आइसक्रीम खाओ ठंडा ठंडा लगेगा. आइसक्रीम से और खराब हो जाएगा यार. एसिडिटी हो जाएगा. कुछ भी बोल रहे हो. हाँ आइसक्रीम क्या. निखिल आई थिंक यू शुड गो. व्हाई. क्योंकि मेरी पीठ में दर्द हो रही है ना निखिल. यू नो दिस ना. सो यू शुड गो गेट द आइसक्रीम. ओ हाँ मैं लेके आता हूँ. आप लोग जाइए. सॉरी मैं लेके आता हूँ. सॉरी तुम हमेशा भूल जाते हो इसके पीठ के दर्द का. जल्दी आना. Yeah. This is for me. So, lie bhi ho kya? Yeah, this is for you. Yeah. Yeah. I'm gonna do this. Oh. Okay. It's gonna be fine. Don't worry. Just go. Yeah. I'll just keep it in touch. Negative. Huh? Not pregnant. Fuck. Fuck, baby. मेरी फट गई थी यार. मुझे एक्चुअली लगा अगर बच्चा होगा तो क्या करेंगे यार. I mean, imagine us parents. What? Fuck. मेरी तो फट गई थी. मैं तीन चार ब्रांड लिया था. शुड वी चेक. शुड वी ट्राई अदर वंस. नहीं ठीक होगा राइट. ठीक होगा सर. स्ट्रेस ले रहा था. आई थॉट यू नो व्हाट इफ वी एक्चुअली बिकम पेरेंट्स आउट ऑफ नोवेयर एंड यू नो तुम्हारी शक्ल देखने वाली थी. हाँ हवाइयाँ उड़ गई थी. मतलब मेरी भी फटी हुई थी बट तुम भी कम नहीं थी राइट. एनी वे जो जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं और सुबह ऑफिस चलते. ए, क्या हुआ. ऐसे सो जा. या क्या पार्ट ऑफ सच अ क्रेजी जर्नी.
पिंटू तो क्या कर रहा है? प्लेन। क्या प्लेन? वंदु तुम ऐसा क्यों कर रही? मैं ऐसा कर रही हूँ किरण, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अचानक ये लॉयर, ये विल, अब ये केयर सेंटर। You wanted a coolie, that's why you picked me up. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।